दोस्तों, हम सभी को पता है कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम फाइनली लॉन्च हो चुका है, लेकिन हमारा ओ कनेक्ट का जो लॉन्चिंग टाइम था 5 दिसंबर था, ठीक है? तो किस कारण से लॉन्च नहीं हो पाया, रीज़न ये फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक इवेंट हुआ था अभी 2 दिन पहले, तो वहाँ पे कुछ एस सर ने कुछ अपडेट दिया था जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं प्रोडक्ट के बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन ओ कनेक्ट के बारे में वहाँ पे ये बताया गया था कि आपका ओ कनेक्ट का लॉन्चिंग कभी भी लॉन्च हो सकता है, यानी कि कोई टाइमिंग फिक्स नहीं था, कभी भी लाइव हो सकता था, कल, आज या अभी भी, ठीक है? तो इसको लेके आप शांत हो जाइए, कभी भी लाइव होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन अभी कंपनी की तरफ से कोई टाइमिंग ऐसा फिक्स कंफर्म नहीं बताया गया। एंड हम बात करें तो जो हमारी मार्केटिंग कैंपेन कर रही है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप में हमारा एड्स की बात करें, तो बहुत ऐसे पोस्टर वहाँ पे दिखाए गए हैं जहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप में दिखे देखे होंगे आप सभी फाउंडर्स, ठीक है? मैंने भी देखा है। अगर आप चाहते हैं कि उसका एक वीडियो बने तो बन जाएगा, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ होता है कि हमारे इंडिया के जो टीवी शो हैं, के लोकल चैनल्स हैं या जैसे मीडिया सेंटर्स हैं, कभी इन सभी टीवीओ पे हमारा ऑन पैसिव का इकोसिस्टम या लोगोस, एड्स मिलेंगे? तो ये चीज़ें अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट एक मैंने एक चैनल पे देखा है, यहाँ तेलुगु का चैनल्स है, यानी कि वो चैनल्स है सोशल मीडिया का, ठीक है? तो उस पे ये एड्स इनका शो किया गया है, इनको एडवर्टाइजिंग दिया गया था, तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा चैनल भी नहीं है, बहुत बड़ा मीडिया सेंटर भी नहीं हो, लेकिन छोटा है, बट लोकल लैंग्वेज में वहाँ के एड्स आ रहा है। मैं उस चैनल को लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन का, आप वहाँ पर जाके विजिट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो फाइनली एड भी आ रहे हैं, और ये लॉन्चिंग की बात करें तो मैंने लॉन्चिंग की भी बता दिया, कभी भी लाइव हो सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो से जानने को मिल गया है। एंड आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड आपका कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट सॉल्व आपको ही करना है, मैं डायरेक्ट आपको डायरेक्शन बता सकता हूँ कि डायरेक्शन ये है, करना आपको है। किसी को अपना आईडी पासवर्ड मत दो, चाहे वो कितना भी खास व्यक्ति हो।